नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट लिए हैं, और उसके साथ ही मैं कुछ अपडेट आपको देने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से कटिंग वगैरह जो लगाई थी वो किस तरह से चल रही है। बारिश का मौसम है दोस्तों, आप कोई से भी प्लांट लगा सकते हैं, और इस मौसम में हार्डी प्लांट और जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं सारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो प्लांट मैं फ़िलहाल लेकर आई हूँ, इनकी कटिंग मुझे नहीं मिली थी तो मैं इसलिए ख़रीद कर लाई हूँ। वैसे मैं प्लांट बहुत कम खरीदना पसंद करती हूँ, और इस साल तो दोस्तों मैंने बहुत सारे प्लांट वैसे जो है परचेज कर लिए हैं। ये आपको मैंने दिखाए थे अलमंडा वगैरह भी, तो मैं इनको रिपोर्ट ही नहीं कर पाई हूँ क्योंकि इनकी थोड़ी कंडीशन ख़राब थी, तो मैंने उस टाइम पर रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। अब थोड़ी ठीक है इनकी कंडीशन, तो मैं अब इन प्लांट को जो है रिपोर्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ दोस्तों, ये है ड्रेसिना प्लांट, और दोस्तों वेरीगेटेड पत्तियाँ इसकी बहुत ही प्यारी लगती है। और दोस्तों आपने मेरे पास इसकी 2-3 वेराइटी पहले ही देखी है, बहुत सारी वेराइटी मेरे पास है इसकी, तो नए नए प्लांट लगाना मुझे पसंद आता है। और दोस्तों इंडोर प्लांट तो मुझे बहुत ही आकर्षित करते हैं क्योंकि इनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती है। तो दोस्तों ये प्लांट मैं लेकर आई हूँ 80 रुपये में, और एक प्लांट से आप कई प्लांट बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्लांट मुझे कहीं मिला नहीं था तो मैं इसको परचेज करके लेकर आई हूँ। इसके बाद आता है दोस्तों, ये है देख सकते हैं सामने से हेल्दी सा प्लांट है, ये है पीस लिली का प्लांट। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों ये प्लांट मुझे बहुत सस्ते में मिल गया है। वैसे ये प्लांट मैंने जब भी इसकी रेट पूछी थी, वैसे हमारे यहाँ पर सिर्फ बारिश वगैरह में ही प्लांट मिलते हैं अच्छे से, वरना ये जो हमारे हार्डी प्लांट होते हैं यही लगभग मिलते हैं, जो लोकल प्लांट होते हैं वही। तो दोस्तों ये स्पेशल प्लांट है पीस लिली का, तो ये कभी कभार ही हमारे यहाँ पर मिलता है, लेकिन दोस्तों ये 250 से 300 रुपये तक हमारे यहाँ पर मिलता है। पर लेकिन दोस्तों ये मुझे 100 रुपये में मिल गया है क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसकी पत्तियाँ और इसके कुछ जो है प्लांट है इसके ख़राब हो रहे थे, लेकिन मैंने उनको निकाल दिया है, और अब मैं नए प्लांटर में इसको अलग अलग करके जो है रिपोर्ट कर दूँगी। तो कोई कोई से प्लांट तो इनमें से चली जाएंगे, वैसे अभी कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है, तो पूरी कोशिश करूंगी अपने प्लांट को बचाने की। और दोस्तों 100 रुपये में मुझे ये प्लांट बिल्कुल महंगा नहीं लग रहा है, और मुझे कब से इस प्लांट का इंतज़ार था क्योंकि मुझे इंडोर में फ्लावरिंग प्लांट मेरे पास कम ही है, तो बहुत ही प्यारा और हेल्दी सा प्लांट मुझे मिल गया है। इसके बाद आता है दोस्तों गोल्फरीना, और वैसे ये प्लांट मैं लेने नहीं गई थी, लेकिन दोस्तों बहुत सस्ते में ये प्लांट मुझे मिल गया है, तो ये 30 रुपये में मुझे मिला है। वैसे ये बीज से भी ग्रो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन बीज वगैरह भी कहाँ मिलेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मैं 30 रुपये में ये प्लांट लेकर आई हूँ, और बहुत ही प्यारा है, छोटा है प्लांट, लेकिन दोस्तों अच्छे रख रखाव और अच्छी खाद के साथ ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों, ये है पेंटास, और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ पर यही कलर था, और कंडीशन भी अच्छी है, और गमले के साथ मुझे ज़्यादा महंगा नहीं लगा, ये 80 रुपये में मुझे मिला है। तो दोस्तों क्या मैं ये जो शॉपिंग करके लाई हूँ बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मैं इस प्राइस आपको बताती जा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरी इतनी आदत नहीं है प्लांट वगैरह ख़रीदने की, तो मैं अक्सर प्लांट कटिंग वगैरह से ही बीज से ही ग्रो करती हूँ, लेकिन जब आपको प्लांट नहीं मिले बीज नहीं मिले तो आपको पौधे ख़रीदने ही पड़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, और अभी बारिश के टाइम पर मिल भी रहे हैं तो मैं लेकर आ गई हूँ, इसकी फ़िलहाल कंडीशन अच्छी है, फ्लावरिंग भी अच्छे से हो रही है। इसके बाद आता है दोस्तों, ये वेरीगेटेड पोथोस मनी प्लांट, और दोस्तों बहुत छोटा सा प्लांट है, और ये मुझे 50 रुपये में मिला है, तो मैं लेकर आ गई हूँ क्योंकि दोस्तों मनी प्लांट तो मेरे पास बहुत सारी है, और बहुत सारे जगह मेरे यहाँ पर ग्रो हो रही है, लेकिन ये कलर थोड़ा हटके था, अच्छा लगा तो मैं लेकर आ गई हूँ, और हैंगिंग के लिए बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो दोस्तों इसको अब हम जल्द ही रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि बारिश के टाइम पर जब हम प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं बारिश के पानी से। तो अभी रिपोर्ट करके, जब भी आप प्लांट रिपोर्ट करें, चाहे बारिश हो या ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, तो आप इनको छाया वाली जगह पर 1-2 दिन ज़रूर रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों अलमंडा, आप सोचेंगे कितने अलमंडा खरीदेगी मेघा, तो दोस्तों मुझे अलमंडा के फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो ये येलो कलर का अलमंडा मैं लेकर आई हूँ, अभी फ़िलहाल तो इसमें फूल मुरझा गया है,
और ये देखिए दोस्तों कंडीशन इसकी भी अच्छी नहीं है, क्या पता अलमंडा की। सारे प्लांट मेरे पास ऐसे ही आए हैं और 80 रुपये में दोस्तों मैंने लिया है ये अलमंडा की बेल। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्लांट ग्रो कर रहा है। तो पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्लांट बड़ा अच्छे से हेल्दी हो जाए, तो अच्छी से रिपोर्टिंग करेंगे। तो मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ प्लांट को रिपोर्ट करने में। तो जब भी मैं रिपोर्ट करूँगी तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। दोस्तों हर वीडियो बना पाना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अभी तो बारिश इतनी हो रही है, आज पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, वरना इतने ज़्यादा पानी आ रहा था कि छत पर टेरेस पर आना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने सारे प्लांट इस तरह से रखे हुए हैं छिपा छिपा कर, क्योंकि दोस्तों अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से कीड़ा वगैरह भी लग रहा है और इनको देख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, लेकिन जब तक बारिश रहेगी और अच्छी तेज़ धूप नहीं निकलेगी तब तक ये हमारे गार्डन में ज़रूर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों एक एक चीज़ को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए दोस्तों सिंगोनियम के प्लांट को किस तरह से कटिंग कर दी है, और मुझे तो ये कीड़ा अभी तक नहीं मिला है कि कौन सा कीड़ा है, लेकिन मैं इस पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करूँगी जिससे कि ये ख़त्म हो जाए, उड़ जाए या फिर चला जाए। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से मेरे बालकनी के प्लांट चल रहे हैं। कटिंग दिखाती हूँ दोस्तों मैं आपको, ये देखिए दोस्तों किस तरह से जो मैंने कटिंग लगाई थी। ये वाला प्लांट तो मुझे पता भी नहीं है कि काय का है, लेकिन मैंने कटिंग लगाई थी और सुंदर सुंदर वाइट कलर के कॉटन जैसे फ्लावर आते हैं इसमें, तो बहुत अच्छे से ये कटिंग चल रही है। ये यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्रोटन, एक और क्रोटन मैंने आपको दिखाया है, ये यहाँ पर देख सकते हैं एक और क्रोटन यहाँ पर लगा हुआ है। और दोस्तों अभी तो आप गुलाब की जितनी भी कटिंग लगाएंगे सारी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है, वैसे बंदर वगैरह मेरे यहाँ पर तो सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश हमेशा करती रहती हूँ कि मेरे जो है प्लांट अच्छे से चलते रहे। ये यहाँ पर देखिए वाइट कलर का जो है हिबिस्कस लगाया है, वो भी चल रहा है, धीरे धीरे ही चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बारिश अगर लगातार होती रहती है तो कटिंग वगैरह भी गल जाती है। और ये इस तरह से मेरे सारे प्लांट जो है ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, तो इन सभी प्लांट की कटाई छटाई मुझे करनी है, लेकिन जैसे ही बारिश कम हो जाएगी तो मैं ये सारे काम कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों कितने टाइम से ये फूल मेरे गार्डन में खिले हुए हैं और बहुत ही मंद मंद खुशबू इनसे मिलती रहती है। ये देखिए दोस्तों वाइट कलर के अपराजिता, शाम का टाइम है दोस्तों, लेकिन अगर तेज़ धूप नहीं है तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आप टिकोमा को कहीं कभी भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें जड़ें बनती रहती है। तो इस तरह से दोस्तों मेरे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, एकदम से जंगल हो गया है मेरा गार्डन, अभी तो बहुत ज़्यादा प्लांट फैल रहे हैं। तो दोस्तों मैं जो शॉपिंग करके आई हूँ मैंने रेट सहित आपको बता दिया है। अभी एक प्लांट और लिया है पर मुझे भी नहीं मिल रहा है, वो बंदरों से छिपा के शायद ये यहाँ पर रखा हुआ है, मैं देखती हूँ। ये देखिए इस तरह से फूल खिल रहा है, ये 80 रुपये में ये प्लांट मैंने लिया है, गुलाब है ये। और कटिंग दिखाती हूँ दोस्तों मैं आपको, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कटिंग लगी हुई है। तो सारी कटिंग बहुत अच्छे से चल रही है, और सारे प्लांट अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये बंदरों ने इस तरह से इसकी कतरन कर दी है। तो धन्यवाद दोस्तों।